रायबरेली। कलर कोडिंग के साथ चलेंगे ई रिक्शा। रायबरेली का यातायात विभाग एक नए प्रयोग के साथ जाम के झाम को कम करने की कोशिश करने जा रहा है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह को जिले का कार्यभार ग्रहण किए हुए कई महीने गुजर गए। इस दौरान उन्होंने देखा कि शहर में यातायात व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, जिसको लेकर उन्होंने ट्रैफिक सीओ को यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने कुछ सुझाव दिए, जिसको अमल करवाने और यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक सीओ अमित सिंह ने शहर में चल रहे ई रिक्शा की संख्या को देखते हुए शहर को 6 रूटों में विभाजित किया। इसके अतिरिक्त ई रिक्शा की संख्या को देखते हुए उन्हें भी 6 भागों में विभाजित करने का निर्देश दिया। साथ ही हर एक भाग को एक कलर कोडिंग दी जाएगी। साथ ही उस कलर कोडिंग के रिक्शे के लिए एक रूट निर्धारित होगा, जो अपने निर्धारित रूट पर चलेगा। इसके अतिरिक्त कुछ महीने चलने के बाद उनके रूटों में परिवर्तन किया जाएगा, जिससे किसी भी ई रिक्शा चालक को असुविधा न हो और शहर को जाम के झाम से मुक्त किया जा सके। देखिए, जो ई रिक्शा चल रहे हैं शहर में, उनकी संख्या काफ़ी अधिक है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको ट्रैफिक और जाम की समस्या जो है झेलनी पड़ती है, जिसके लिए ये निजात लाया गया है कि कुल 6 रूट निर्धारित किए गए हैं, जिसको कि सभी जो ई रिक्शा हैं उनको कलर कोडिंग दी जा रही है एक तरह से, जिसमें कि लाल कलर है, काला कलर है, सफ़ेद है, पीला है, नीला और हरा, ये 6 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। इन सभी के रूट चिन्हित किए गए हैं और जैसे प्रत्येक रिक्शा को एक कलर दिया जाएगा और वो उसी रूट पर निर्धारित रूट पर चलेगा। और हम लोग ये भी इसमें देख रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद फिर उनके जो रूट्स होंगे उसमें भी चेंजिंग लाया जाएगा, ताकि किसी को कोई शिकायत का इसमें सामना ना करना पड़े या कोई किसी को परेशानी ना उठानी पड़े इस चीज़ के लिए, जिससे कि जाम से राहत मिल सके, इसके लिए ये प्लान लाया जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई दूसरे रूट पर जाता है तो उस पर क्या? देखिए, पहले तो हमने बता रखा है अभी कि जैसे 15 दिन का उनको ये बताया जाएगा और चेतावनी दी जाएगी और एक ये जागरूकता भी की जाएगी कि आपको ये रूट ये निर्धारित किया गया है, आप इसको इसी रूट पे चलना है, ताकि कोई वो ना हो। बाद में अगर कोई उसको अनुपालन नहीं करता है उसके बावजूद, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या जो ऑटो रिक्शा वाले हैं जी, किसी का ड्राई रूट होगा, किसी का एकदम फ्रूटफुल होगा, तो क्या उनके रूट्स में भी चेंजिंग करेंगे? टाइम क्या होगा लगभग? इसी पे अभी काम कर रहे हैं कि जो भी हम रूट निर्धारित किया गया है, इसमें ऐसा ना कोई एकदम फिक्स है कि हाँ आपको हमेशा के लिए इस रूट पे चलना है, तो वो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद हम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आएंगे और इसको देखा जा रहा है, जिससे कि मतलब जाम से निजात मिल जाए और जो ई रिक्शा के चालक हैं उनको भी कोई समस्या का सामना ना करना पड़े।